फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वाइट चिकन स्टू बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 kg चिकन लिया, जिसे साफ से धो लिया है। 300 ग्राम प्याज लिया, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। बारीक चॉप्ड किया हुआ 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है और बारीक ग्रेट किया हुआ मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लिया है। यहाँ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। 1/2 कप तेल है, 1/2 कप दही है, कुछ सूखे खड़े मसाले जो हमारे वाइट चिकन स्टू को बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू देंगे। तो 4 लौंग लिया है, 1 छोटा सा जावित्री लिया है, 8 से 10 काली मिर्च लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है, 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1 बेलीफ लिया है, 4 छोटी इलायची लिया और 4 सूखी लाल मिर्च लिया है। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा और घटा सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस की फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा दिया और कढ़ाई गर्म हो चुका, तो इसमें हम 1/2 कप तेल ऐड कर देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें बेलीफ डाल देंगे और जितने खड़े साबुत मसाले इन सबको डाल देंगे और इन साबुत मसालों को हल्का सा क्रैकर कर लेंगे ताकि इनके सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक ही हम फ्राई करेंगे। हमें प्याज का कलर नहीं बदलना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। प्याज के कलर को इसलिए चेंज नहीं करना, नहीं तो ग्रेवी का कलर डार्क आ जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट चिकन स्टू। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तब इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और इसमें 4 हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते, तोड़ के भी डाल सकती है, साबुत ऐसे भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी का कलर हमें डार्क नहीं करना है, तो बस इसे डाल देंगे। अब इसमें हम पीसे हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर दें और थोड़ा सा भून लें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो चुका और भुना गया, तो इसमें हम चिकन डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें नमक को। अब कुछ देर के लिए चिकन को भून लें। चिकन को मैंने 5 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया है और ये देखें ऑयल सरफेस पे आने लगा है। चिकन हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम 1/2 कप दही ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे इतना भूनेंगे ताकि दही अपना सारा पानी रिलीज कर दे और सारा पानी जो छोड़ा दही उस वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो हमें इसे इतना भूनना है। गैस की फ्लेम को हाई रखें। ये देखिए दही ने अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है। दही का सारा पानी सूख चुका है और चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है। इसे मैंने 5 से 7 मिनट भून लिया है, तब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। पानी इसमें थोड़ा सा ही डालें, ज़्यादा ना डालें। तो मैंने 1/2 कप पानी डाला है, तो इसे मिक्स कर दें। और इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए या टेंडर हो जाए। पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तब इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो इसे हम एक बार चला के देख लेते हैं। तो वाह, बहुत अच्छे से गल चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और जितना एक्स्ट्रा इसमें पानी है उसको सुखा देते हैं। तो इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे, जिसे मैंने बीच से काट लिया है, और इसे मिक्स कर देंगे।
तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार लजीज वाइट चिकन स्टू बनके। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा बनके बेहद ही लजीज वाइट चिकन स्टू। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और कितने कम मसालों के साथ ये बहुत ही टेस्टी सा चिकन स्टू बनके तैयार हुआ है। तो आप इसे रोटी पराठे चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आए तो आप हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।